another video or Akash video. Swagat hai. Aur aaj jo video hum lekar aaye hain uska title hai. Title hai huge boost to Indian rupee. India UAE officially signed Rupee-Dirham trade pact. To chaliye dekhte hain ki kya bataya gaya video mein. Lekin isse pehle is video ka channel ka original link aapko mari video ki description mil jayega. Subscribe ke like share ko follow kein ke channel ko. Uske liye mai vlog channel ka link mein link bhi mari video ki description mil jayega. Subscribe ke like share ko follow kare. To chaliye dekh lete hain ye video. And I welcome you all to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन. Now recently आपने देखा होगा कि पीएम मोदी ने दो देशों का दौरा किया है. एक तो फ्रांस, जहां पर पीएम मोदी का भव्य वेलकम हुआ, उनको फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया. बैस्टियल डे परेड में इंडियन मिलिट्री ने पार्टिसिपेट किया. बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है. नाउ फ्रांस के टूर के बाद पीएम मोदी गए सीधा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. और ये जो विजिट है ना, ये भी मैं कहूँगा इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डेवलपमेंट सामने आई है, पहली बात तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये ट्वीट है यूएई के प्रेसिडेंट की. ये कह रहे हैं कि इट इज़ माय प्लेजर टू वेलकम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर. इंडियन पीएम का भव्य वेलकम किया गया यूएई में. बहुत से इशूज़ पर बातचीत की गई, आईआईटी इन्वेस्टमेंट्स, मगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यूएई की विजिट से ये आई है कि इंडिया यूएई ने अब ऑफिशियली, जी हाँ ऑफिशियली, एक रुपी दिरहम ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है. और इसका इम्पैक्ट भारतीय करेंसी पर, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत ही ज़रा स्ट्रांग होने वाला है. क्योंकि अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो नंबर वन पे है यूएसए, नंबर दो पे चाइना, नंबर तीन पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सऊदी अरेबिया से भी ऊपर आता है यूएई ट्रेड के मामले में. तो ऐसे देश के साथ दिरहम रुपी ट्रेड पैक्ट करना मैटर करता है. वैसे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो जब भी मैं ये लिस्ट देखता हूं ना, इतना खराब लगता है अंदर से, क्योंकि सिवाय यूएसए और नेदरलैंड्स के, हर कंट्री के साथ ना हमारा ट्रेड डेफिसिट है. हम खरीदते ज़्यादा हैं, उनको बेचते कम है. ये हमें फिक्स करना पड़ेगा. ये जो लाल 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 दिख रहा है ना हमको यहाँ पे, ये नंबर्स, इनको पॉजिटिव में लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बहुत हरा भरा करना पड़ेगा इन नंबर्स को हमें. तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के, रुपी दिरहम ट्रेड पैक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा, आईआईटी किस तरीके से ओपन की जाएगी यूएई में. बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में वो कौन सा देश है जिसने बीबीसी का जो मीडिया एक्रेडिशन है ये हटा दिया, और ये भी ओपनली सरकारी रूप में कह दिया कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सीरिया, जापान, स्वीडन, पाकिस्तान. ये टॉपिक रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था. बताइए सही आंसर यहाँ पर क्या है. नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है. ये बहुत ही ज़रा इम्पोर्टेंट है. अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अगर मोदी जी बस एक स्टेटमेंट दे के आते कि हाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं इस बात को लेकर के, हाँ रुपी को हम आगे प्रमोट करेंगे, नहीं, लिखित रूप में एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, पैक्ट साइन हो चुका है, आरबीआई इन्वॉल्व हो चुका है. दिस इज़ सीरियस. हम जेन्युइनली अब आगे बढ़ चुके हैं. इससे पहले मैं देख रहा था आज से एक दो साल पहले बहुत सी रिपोर्ट्स आती थी कि अब रुपी को हम यूज़ करेंगे यूएई में वगैरह. अब वहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है, मगर जो ये प्रेस रिलीज है ना, इसमें साफ साफ लिखा है कि दो एमओयू साइन किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पहला तो ये है टू एस्टैब्लिश द फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस. दूसरी बात ये है कॉपरेशन ऑफ इंटरलिंकिंग द पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम. जिस तरीके से भारत में है यूपीआई, उसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये लोग यूज़ करते हैं आईपीपी. इसकी फुल फॉर्म है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म. ये यूपीआई जितना डायनामिक नहीं है, मगर ये लोग यूज़ कर रहे हैं यूएई में आज के समय, इसको यूज़ कर रहे हैं. दोनों को इंटरलिंक करने की बात की जा रही है. ये यूएई ने, मुझे लगता नहीं है कि किसी भी कंट्री के साथ किया है. मे बी सऊदी अरेबिया के साथ इनका कोई पैक्ट हुआ हो जीसीसी के अंडर, वो अलग बात है, मगर चाइना के साथ ऐसा कुछ पैक्ट हुआ नहीं है, ना यूएसए के साथ हुआ है. ये एक बहुत ही यूनिक डेवलपमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पे. उसके अलावा एक स्पेशल बात ये भी है कि रुपी दिरहम का यूज़ ज़्यादा हो, डॉलर का यूज़ कम होना, इसको लेकर कई कंट्रीज़ ने स्टेटमेंट दी है, मगर यूएई पहला देश है जो ये भी कह रहा है कि रुपी दिरहम को हम ऑयल और गैस के ट्रेड में भी ज़्यादा इंक्लूड करना स्टार्ट कर देंगे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑयल और गैस ट्रेड यूएई इंडिया ट्रेड की मेन बैकबोन है. और ये जो बात ऐड कर दी है ना यूएई ने, इससे इंडिया को बल मिलेगा कि इंडिया कॉन्फिडेंटली कल को कतर, सऊदी अरेबिया, इवन बहरीन, बाकी जो कंट्रीज हैं जीसीसी की, इन सब के साथ भी इंडिया बैठ कर कह सकता है कि अगर यूएई हमारे साथ एक ऐसा पैक्ट साइन कर सकता है जिसमें ऑयल और नेचुरल गैस का ट्रेड भी लोकल करेंसीज में होगा, डॉलर का यूज नहीं किया जाएगा, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते. तो ये मैं कहूँगा एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है
जिसके बेसिस पर इंडिया आगे जाकर कई और देशों को कह सकता है कि अगर हम यूएई के साथ ऐसा कर सकते हैं, एक ऐसा देश जिसके साथ हमारा जो नॉन ऑयल ट्रेड है ये भी 2030 तक 100 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा, तो आप और हम भी रुपी और जो भी आपकी करेंसी है, येन है, टका है, जो भी करेंसी है आपकी, हम दोनों भी इस तरीके से ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। तो यूएई ने ना सिर्फ इंडिया को डॉलर से कुछ मुक्ति दी है, कम्प्लीटली तो मैं नहीं कहूँगा कि डॉलर से हम छूट चुके हैं, अभी टाइम लगेगा उसमें बहुत ज़्यादा, मगर यूएई ने यहाँ पर इंडिया को एक टेम्पलेट दे दी है जो हम आगे जाकर कई और देशों के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस प्रेस रिलीज में ये है कि इस पूरे पैक्ट में ना रेमिटेंसेस को भी कवर किया जाएगा। रेमिटेंसेस मैं आपको बता चुका हूँ कि मान लो कोई भारत का वर्कर है, यूएई में गया काम करने के लिए, वहाँ पे उसने 10-15 लाख रुपए कमाए, वापस अपने परिवार को वो पैसा भेजना चाहता है, तो वो जो पैसा भेजेगा ना उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। नाउ यूजुअली क्या होता था कि जी भारत से वर्कर्स गए यूएई में, उन्होंने वहाँ पर पैसा कमाया दिरहाम में, उनको जो पेमेंट होगी रुपी में नहीं होती, दिरहाम में होती है। नाउ यूजुअली क्या होता है कि पहले उनको अपनी करेंसी दिरहाम से कन्वर्ट करनी होगी डॉलर में, और फिर डॉलर से वो कन्वर्ट होगी इनटू इंडियन रुपी। नाउ सिंस हम लोकल करेंसीज में डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रहे हैं तो रेमिटेंसेस भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो सीधा दिरहाम कन्वर्ट हो जाएगा इंडियन रुपी में जरा तेज। इससे ट्रांजेक्शन की जो फीस है ये भी धीरे धीरे कम होगी, उसके अलावा रुपी भी धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, क्योंकि हमें बीच में ना डॉलर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना रुपीज इंटरनेशनल मार्केट में गए डॉलर वापस आए, ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। और देखो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया को किस कंट्री से आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकेंड नंबर पे है यूएई, इसलिए ये मैटर करता है। हम यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, जहाँ पर डॉलर जो एक तरीके से पहले एक मिडलमैन की तरह था, उसका रोल इन द फ्यूचर खत्म हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। और अगेन सिंस इंडिया ने इस टाइप का एग्रीमेंट कर लिया है यूएई के साथ, कल को हम सिंगापुर जिनसे बहुत सारी रेमिटेंसेज आती है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, इनको भी कह सकते हैं कि आप भी ऐसा एग्रीमेंट साइन क्यों नहीं करते। और इसे देखिए लॉन्ग टर्म में हमको क्या बेनिफिट होगा कि रुपी की जो सर्कुलेशन है ये वेस्ट एशिया में बढ़ जाएगी। वेस्ट एशिया मतलब कि ये जो कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, ओमान, इन सब कंट्रीज में रुपी की सर्कुलेशन बढ़ सकती है। इसमें टाइम लगेगा ऑफकोर्स, कोई बड़ी बात नहीं है, 2030 तक का भी टाइम लग जाए, इट कैन हैपन। और इवेंचुअली देखिए इससे होगा क्या कि इंटरनेशनली ना इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी और रुपी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, देखिए एक बार इनके सिस्टम में रुपी ओपनली यूज होना स्टार्ट हो गया, रुपी की डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये डिमांड कौन बढ़ाएगा, इंडियन वर्कर्स, इंडियन स्किल्ड वर्कर्स, इंडियन लेबर, ये वेस्ट एशिया में बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। तो ये इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि पेमेंट रिसीव और यू नो कहीं पर उनको पे करना है ये सब भी इंडियन रुपी में कर सकते हैं। और इससे बेसिकली क्या होगा, रीजन के बाकी कंट्रीज भी ना, अगर मान लो कल को सऊदी अरेबिया यूएई के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ों को लेकर, हर चीज़ को तो नहीं, कुछ चीज़ों को लेकर वो रुपी का यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेड, क्योंकि रुपी ना सिर्फ वेस्ट एशिया में, ऑब्वियसली इंडिया में भी सर्कुलेशन में होगा। और इंडिया अगर अपना प्रभाव और ज़रा बढ़ाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो आराम से हम बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इवन इंडोनेशिया, यहाँ पर थाईलैंड, इन सब कंट्रीज़ के साथ भी जो रुपी का ट्रेड है, लोकल करेंसीज का ट्रेड है, ये बढ़ा सकते हैं। तो इससे इवेंचुअली ना ग्लोबल करेंसीज का जो यूज़ है उस मामले में रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया में कौन सी ग्लोबल करेंसी कितनी यूज़ होती है, ये रैंकिंग के हिसाब से आपको दिख जाएगा। नंबर वन पे ऑब्वियसली यूएस डॉलर है, फिर यूरो आपको दिखेगा, फिर जापानीज येन है, चाइनीज रेनमिनबी आपको नंबर फाइव पे मिलेगा, अभी ये काफ़ी पीछे है, डॉलर से तो काफ़ी पीछे है। और फिर रुपी को ढूंढने के लिए ना आपको टॉप 15 के एंड पे जाना पड़ेगा, हम 15 रैंक पे आपको मिलेंगे। अभी मैक्सिकन पैसों से हम ऊपर हैं, जो बहुत बड़ी बात है, इवन दो मैक्सिको यूएसए का एक डायरेक्ट नेबर है तब भी हम मैक्सिकन पैसों से ऊपर हैं। ब्राजीलियन रियाल, साउथ अफ्रीकन रैंड, इन सब करेंसी से रुपी आपको ज़्यादा वैल्यू में मिलेगा ग्लोबली। मगर अभी ना हमें हांगकॉन्ग डॉलर, सिंगापुर डॉलर, स्वीडन की करेंसी क्रोना, साउथ कोरियन वॉन, इन सब को बीट करके टॉप 10 में आना है। इससे रुपी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, पॉसिबिलिटी है कि रुपी कल को डॉलर के मुकाबले 70 के आसपास पहुंच जाए। हाँ, अभी के लिए यही तरक्की होगी। मैं कोई आपको यहाँ पर ये नहीं बताऊंगा कि हमने बस डॉलर को रिप्लेस कर दिया, अब दुनिया डॉलर को इस्तेमाल नहीं करेगी, रुपी को इस्तेमाल करेगी। कोई अगर ये आपको बताता है तो वो मतलब सपने दिखा रहा है, इतनी कोई रैपिड तरक्की नहीं होने वाली। मगर हाँ, रियलिस्टिक तरीके से देखें तो दुनिया में रुपी की डिमांड
बिल्कुल बढ़ सकती है इन स्टेप्स की वजह से। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ यूएई में अपनी करेंसी फ्लाइंग, हम लोग इन द फ्यूचर यूएई में साइंस, ज्ञान, नॉलेज, मैथमेटिक्स ये भी प्रॉपरली फैलाएंगे, क्योंकि आईआईटी दिल्ली अब ग्लोबल जा चुकी है। आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस बहुत ही जल्द अबू धाबी में ओपन हो जाएगा। अबू धाबी ऑफ कोर्स यूएई में है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा अबू धाबी। तो यहाँ पे आईआईटी दिल्ली का कैंपस बहुत बड़ी बात है। आईआईटी वैसे जो सबसे पहले आईआईटी इंडिया के बाहर ओपन होगी वो होने वाली है अफ्रीकन देश तंजानिया में, उसके बाद यूएई में ओपन होगी। और आज से 10-15 साल पहले कोई मुझे ये कहता कि ये पॉसिबल होगा इन द फ्यूचर इंडियन आईआईटीज बाहर के देशों में कैंपस ओपन करेगी, शायद मैं क्या कोई भी ये बात ना मानता, बट टुडे इट इज़ हैपनिंग, वी आर गोइंग ग्लोबल। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बीबीसी की मीडिया एक्रेडिटेशन किस कंट्री ने ख़त्म कर दी है, और ये भी कह दिया कि ये लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो सही आंसर है सीरिया। सीरिया ने ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है, यहाँ पर आप देख पाओगे सीरिया नेक्सस बीबीसी एक्रेडिटेशन ओवर फेक न्यूज़। और इसकी वजह से ब्रिटेन बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ब्रिटेन ने कहा है कि हमारा सरकारी न्यूज़ आउटलेट को आपने इसका जो मीडिया एक्रेडिटेशन है ख़त्म कर दिया, हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि यूके इन द फ्यूचर और ज़्यादा सैंक्शन लगा दे सीरिया पर, इट कैन वेरी मच हैपन। मगर बीबीसी ना अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है ग्लोबली, चाहे रशिया, चाइना, सीरिया, उसके अलावा बेलारूस, कई कंट्रीज हैं आज के समय जो बीबीसी के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। और मान लीजिए मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज अ कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो कान, थैंक यू फॉर लिसनिंग। टाइम के साथ साथ जो है ना, एक चीज जो है आपको देखने को मिली कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो दो चीजों को, एक तो यूपीआई को और एक जो है पेमेंट्स जो है वो इंडियन करेंसी में की जाए, इस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा प्रमोट जो है वो कर रही है। और लिटरली ये चीज आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी, जब आप अपने नेबर के जो कंट्रीज हैं या ऐसे कंट्रीज जिनके साथ आपके बहुत फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ जो है अपनी करेंसी में जो है और उनकी करेंसी में, यानी कि दोनों करेंसी में जो है ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो वो लिटरली लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है। वेल, आज से कुछ महीने पहले चले जाएं तो हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस देखी थी जब हमें डॉलर में एक हाइक देखने को मिली थी और काफी ज्यादा इंपैक्ट आपको ग्लोबली उसका नजर भी आया था डिफरेंट कंट्री में, तो तब काफी सारी वीडियोस बनना शुरू हो गई थी और उसमें ये सजेशन देना मतलब स्टार्ट हो गए थे कि इस तरह से ट्रेड और अपने डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और नोस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में भी एक बात की गई थी। तो मुझे ये लगता है कि उस टाइम पर मैंने ये कहा था कि हाँ एकदम से पॉसिबल नहीं होती कोई भी चीज, लेकिन धीरे धीरे जो है जब आप उसको लेकर स्ट्रगल करते हो तो उसका एक इम्पैक्ट जरूर नजर आता है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी रीजन ये कि मतलब आपका रुपीज स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली आपकी जो आपका जो इन्फ्लुएंस है वो भी ज्यादा होगा बाकी सारे देशों में। और आज के टाइम में अगर हम इंडियंस को देखें तो इंडियंस का डिफरेंट कंट्रीज में जो डायस्पोरा है वो आपको काफी ज्यादा एक बड़े लेवल पर नजर आता है, और उसकी वजह से जो एक सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट पावर है इंडिया की, वो भी आपको काफी ज्यादा नजर आती है। क्योंकि आप इंडियंस को देखो वो आपको स्किल्ड लेबर्स की सूरत में भी मिलेंगे, वो आपको हायर रैंक्स पर भी आपको देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट बहुत सारे देशों में वो आपको गवर्नमेंट लेवल पर भी देखने को मिलते हैं। सो मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो चीजें अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं और जैसे जैसे आगे लेकर जा रहे हैं वो वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जब वो अपनी जनता के साथ, यूथ के साथ स्पेशली बात करते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि इंटरेक्शन में उन्होंने यूपीआई का जिक्र जरूर किया है कि जितने भी लोग हैं वो ट्रांजैक्शंस करें। और इसके साथ साथ अब जैसे बाहर के देशों में वो बात करें जहां पर उनकी ट्रेड है, तो वहां पर भी उन्होंने यूपीआई का जो है वो एक प्रयोग करने पर या आपके कि उसके लिए स्टेप्स लिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। देखिए यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ पैक्ट और जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ पैक्ट होने में जो है ना वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन क्योंकि भाई गल्फ कंट्रीज की बात कीजिए ना, वहां पे जो है ना ये पैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा, क्योंकि एक कंट्री पे जो है ना सबसे ज्यादा जो बर्डन होता है वो गैस और नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना इस तरह के, उनको खरीदने में बहुत ज्यादा जो है वो आपका विदेशी मुद्रा कह लें कि
लगता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में जब इंडिया और यूएई और ऐसे से बाकी जो गल्फ कंट्रीज है वो इंडियन करेंसी में जो है वो ट्रेड करेंगे या लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, तो भाई आपका जो विदेशी मुद्रा है, जो आपका पास फंड्स पड़े हैं, रिजर्व पड़े हुए, वो बहुत हद तक जो है आप सेव करेंगे। जब वो सिक्योर होंगे तो नो डाउट आपकी ये जो करेंसी होगी ऑटोमेटिकली उसकी जो है एक वर्थ बढ़ेगी, और जो बाहर से दूसरे मुल्कों से इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंट्री में आना जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रेफर जो है वो करेंगे, क्योंकि भाई उन्हें भी पता होगा कि भाई इस मुल्क में हमें इकोनॉमी की भी स्टेबिलिटी मिल रही है, हमें पैसे की स्टेबिलिटी भी मिल रही है, और बाकी जितनी भी सहूलतें हमें चाहिए वो भी हमें जो है यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। प्रशांत सर की बिल्कुल वो बात ये कि भाई ऐसा भी कोई जादू नहीं हो जाएगा कि रातों रात जो है वो पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आ जाए, लेकिन हाँ टाइम के साथ साथ आप मेहनत करेंगे बाकी कंट्रीज के साथ भी जैसे जैसे पैक्ट साइन होंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरी जो है आएगी। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने पहले भी ये बात बोली थी काफी सारी वीडियोस में कि अभी जैसे एक मोनोपली है डॉलर की, ठीक है, लेकिन अगर कोई और करेंसी आती है उससे मुझे लगता है जो छोटे देश हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी को फेस करनी पड़ती है तो मुझे लगता है छोटे देशों को फेस करनी पड़ती है, उनको वो डेट ट्रैप में आते ही इसी वजह से, क्योंकि डॉलर की कमी होती है उनके पास, वो ट्रेड जो है वो इसी वजह से नहीं कर पाते, इम्पोर्ट्स उनकी इसी वजह से ज्यादा नहीं हो पाती। तो मुझे लगता है कि छोटे देशों को भी इनका बहुत ज्यादा फायदा होगा, और छोटे देश कहीं ना कहीं पर जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी एक स्ट्रेंथ बनते हैं उस काम को आगे बनाने में। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो एक कार्य स्टार्ट हुआ है इसमें मजीद आगे बेहतरी बिल्कुल आ सकती है जब और छोटे छोटे देश जो हैं वो इसके साथ मिलेंगे, और जो ट्रेड है उसका भी फायदा उन लोगों को भी होगा। भाई देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी जो इंडिया से जो है, क्योंकि ऐसे सिस्टम में भी हो सकता है कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम भी जो है वो इन्वॉल्व हो, तो आप उसमें भी बहुत सारी चीजें जो है फिर डील कर सकते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मतलब क्योंकि इकोनॉमी की बहुत ज्यादा तो हम लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर मॉडर्न टाइम के लिए लिहाज से बार्टर सिस्टम बोला जाए तो ये आज के लिहाज से बार्टर सिस्टम है। बिल्कुल, कि आप चेंज ऑफ करेंसी, चेंज ऑफ करेंसी करो और आपको जो चीजें चाहिए आप वो ले सकते हो, क्योंकि जो एक कंडीशन है कि एक ही करेंसी आपके पास होगी तो ही आप सारी चीजें कर सकते हो, वो मुझे लगता है कि उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि इंडिया जो है वो आगे इसमें बढ़ रहा है, क्योंकि इसको देखकर बहुत सारे कंट्रीज और भी हैं जो कि मतलब कोशिश करेंगे कि हम लोग इसी साइड पर आए। ऑल्दो ऑलरेडी चाइना ने भी इसी तरीके से स्टार्ट किया हुआ है, फिर अगर रशिया की बात करें तो रशिया भी ऑलरेडी इसको स्टार्ट कर चुका हुआ है, बट मुझे लगता है कि और भी बाकी सारे देशों को इसमें कूदना चाहिए ताकि आसानी और ज्यादा पैदा हो सके। बाकी आप जरूर बताइएगा कि ये तो हमें प्लस पॉइंट्स हैं जो नजर आ रहे हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं वो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।